नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। ये ऑपरेशन केंद्र सरकार की मदद से शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑलआउट। जी हां, अगर अब भी आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादियों को जड़ से मिटाने के लिए खत्म किया गया था। और इसमें किस तरह से साल दर साल कामयाबी मिली है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत उस समय से होती है जब 2016 का वक्त याद आया होगा आपको, बुरहान वानी का जिक्र होता है। और इसके बाद भी लगातार, चाहे वो एलईटी के लोग हों यानी लश्करे तैयबा के लोग हों, वहां पे जो कमांडर नियुक्त किए जाते थे, इसके अलावा सिर्फ एलईटी नहीं बल्कि आईसिस जैसा संगठन भी, जिसने पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों में जाकर आतंकवादी हमले किए, चाहे फिर यूरोप का जिक्र हो या फिर एशिया पैसिफिक रीजन हो, यहां पर उसने आतंकी हमले किए। लेकिन इन सारी चीजों से इतर जब उसने अपना कोई प्रतिनिधि इन फॉर्म ऑफ लीडर जेएनके में भेजा, खासतौर पे घाटी में भेजा, तो वहां पर उसे सेना ने खत्म कर दिया। और अब दरअसल हालात ये हैं कि वहां पर वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर आप किसी को मार भी देते थे तो अचानक से इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। क्या जानकारी निकल कर आई है, द नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन 2020 डिक्रीज बाय 63.93%। 2020 में आतंकवादी जो इंसिडेंट्स हैं, आतंकी गतिविधियां हैं, उनमें 63.93% की कमी आई है। देयर वाज आल्सो डिक्रीज इन फेटलिटीज ऑफ स्पेशल फोर्सेस पर्सनल, यानी कि हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी जो शहादत हम हर साल खबरें देखते थे उसमें भी कमी आई है। और ये हो गया 29.11% एंड अ डिक्रीज इन कैजुअलिटीज ऑफ सिविलियन, यानी जो सिविलियंस की मौत होती थी उसमें भी डिक्लाइनमेंट आया 14.28%। 2020 के ये आंकड़े नवंबर 15 तक 2020 कंपेयर टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2019। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये रिपोर्ट है, 2019 से तुलना की है, 2020 के आंकड़े बताए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि सेना, खासतौर पे आर्टिकल 370 जिसका जिक्र बहुत ज्यादा करता है विपक्ष, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा से ये कहती थी कि अगर इसके बाद आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो एक अलग तस्वीर होगी। वो तस्वीर अब साफ तौर पर उभर रही है और जो धुंध थोड़ी सी उस पर थी वो अब धीरे धीरे छट रही है। और ये उससे एक बहुत शानदार, ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे ये तस्वीर बहुत ज्यादा खुशगवार है हमारे लिए भी और आपके लिए भी और निश्चित तौर पर देश के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।